चलिए चलिए। आपका कोई एसपी कहाँ गया? एसपी करने खुद ही ऐसी करते मुझे तो। चलिए चलिए। आपका कोई एसपी कहाँ गया? एसपी करने खुद ही ऐसी करते मुझे तो। टाइम परफेक्ट है अभी। मतलब पत्रकार ने कहा, उनकी बेटी ने कहा, पापा आप मार्केट जाओ तो नक्सल लेके आओ। टाइम बदल गया है, घूंघटों में रहती है, बाल बन जाती है, कैंसर हो जाता है, बीमारी फैलती है। क्या मतलब है? 600 करोड़ रूपये हम लोग लगा रहे इसके लिए, 600 करोड़ लगा रहे। अब हम तो खाली पैसा लगा सकते हैं। आप सबके जो एनजीओ के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि आप घर घर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा आपको। पैसे वाले जो काम लेते थे, अपनी अब हर परिवार ले सकता है, सबके लिए किया। बोलो आप तो नेता बने आजकल। बोलो भाई। महिलाओं के लिए जो आपने प्रावधान रखे वो बहुत ही सामान्य है, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है, साथ में बाजरे के बिस्किट वगैरह ये बना रही हैं। आप लोग क्या हुए? आप क्या हुए? चलिए। आपका कोई एसपी कहाँ गया? एसपी करने खुद ही ऐसी करते मुझे तो। मैडम बना रखी आप। बोलिए भाई, आप बोलिए पीछे। बोलिए आप लोग कौन है? हटवा से बोलिए आप। तो इस तरीके से महिलाएं मतलब खुद बाहर आ रही है। 2008 में मैंने जब काम की शुरुआत की थी तो मैं गांव-गांव घर-घर जाती थी महिलाओं से बात करने के लिए, लेकिन महिलाएं इतना इजी नहीं थी बात करने के लिए भी। लेकिन आज मैं कहीं जाने के लिए बोलती हूँ, दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे, तो वो खुद अपने प्रोडक्ट लेके जाती है। तो अब इनके जो संकोच था वो कम से कम कम हुआ है, और नई नई चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रख रही है। जिस तरीके से अपने यहाँ पे दो दो झाड़ियों में महिलाएं रहती है, तो इकट्ठा ऐसे कुछ संसाधन नहीं है इनके पास में कि ये एक जगह पे बैठ के सारी चीजें सीखे, और ऐसा म्यूजियम नहीं है। तो एक ऐसा यहाँ पे सेंटर हो जहाँ पे सारी महिलाओं को सुविधाएं मिले, और साथ में फैशन डिजाइनिंग की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से ये जो काम करे इसको आगे कैसे लेके जाए, तो एक ऐसा यहाँ पे कॉलेज स्थापित हो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सके, साथ में मार्केटिंग का कोर्स कर सके, तभी जो अनकम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इनके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कि इनके परिवार से लोग हैं वही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे निफ्ट जो है जोधपुर निफ्ट है जी, जोधपुर में है, लेकिन बाड़मेर में भी अगर हो जाए अपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं इनके लिए बहुत सुविधाजनक। 50-60 साल लगे जोधपुर आने में उसको। नहीं, हम जोधपुर में भी, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ दिल्ली में, निफ्ट जो है दिल्ली बॉम्बे दो जगह थी। नहीं, निफ्ट के बच्चे मेरे पास में आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। और भाई